कराची पाकिस्तान का एक तरक्की याफ्ता शहर है, लेकिन इसकी तरक्की का राज क्या है? जो जो कराची तरक्की करता गया, इसमें सड़कें और पुल तामीर होते गए। लेकिन फिर कराची में ऐसा क्या हुआ कि फ्लाईओवर तामीर करने की नौबत आ गई? कराची में सबसे पहला फ्लाईओवर कब, कहां और क्यों तामीर किया गया, देखिए इस वीडियो में। मजीद जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको घर बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर के साथ साथ ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मिलती रहेंगी। कराची को एक बैन अल-अक़वामी शहर होने के नाते इस खत्ते में मरकजी हैसियत हासिल है। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह के एतबार से ये शहर पाकिस्तान के दूसरे शहरों पर फौकियत रखता है। समंदर के जरिए पाकिस्तान के साथ साथ बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान, रूस, वस्ता एशियाई रियासतों, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह के लिए ये बंदरगाह और रास्ता महफूज और आसान तसव्वुर किया जाता है। और बड़े पैमाने पर इसी बंदरगाह के जरिए तजारती सामान की दरामद और बरामदात की जाती है। कराची अपना एक तारीखी पस मंजर भी रखता है। यहाँ 200 साल पुरानी तारीखी इमारात के साथ साथ जदीद इमारात भी हैं। कदीम बागात के साथ नए और जदीद तर्ज पर कायम किए गए बागात भी हैं। कराची शानदार तालीमी और सियासी पस मंजर का हामिल शहर भी है। शेर व अदब, सहाफत, इबादत गाहों और तहजीब व सकाफत से माला माल है। ये जहाँ एक मशहूर तजारती शहर की हैसियत रखता है, वहीं ये सनती तौर पर भी खास अहमियत रखता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम मुल्की और गैर मुल्की बैंकों के मरकजी दफ्तर यानी के हेड ऑफिसेज इसी शहर में वाके हैं। मुल्क की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसी शहर में वाके है। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुनिया के तमाम ममालिक का सफर आसानी के साथ किया जा सकता है। कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक के सफारत खानों के दफातर भी यहाँ पर ही मौजूद है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले सयाहों, तजारती वफद, सनतकारों और बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए ये शहर इंतहाई कशिश का हामिल है और यहाँ सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इसकी तरक्की नागजीर है। कराची की इस तरक्की के सफर में यहाँ की सड़कों और आमदोरफ्त की सहूलतों ने अहम किरदार अदा किया है। इब्तदा ही से यहाँ सड़कों के साथ जहाँ जहाँ रेलवे लाइन थी या आबी गुजरगाह थी, उनके ऊपर ट्रैफिक की कार्रवाई को बरकरार रखने के लिए पुल तामीर किए गए, जिनमें क्लिफ्टन पुल, PIDC पुल, काला पुल, तीन हटी पुल, मेवा शाह पुल और समंदर के किनारे नीटी जेटी पुल शामिल है। जूं जूं कराची की आबादी बढ़ती गई, कराची की सड़कें और पुल भी ट्रैफिक का दबाव बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो गई। 15 अप्रैल 1985 को कराची में एक ऐसा अहम वाकया पेश आया जिसने कराची में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर को दो चंद करके रख दिया, जबकि अरबाब हुकूमत को सड़कों और पुलों से भी आगे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रोज नाजमाबाद चौरंगी पर दो तेज रफ्तार बसों ने आपस में रेस लगाते हुए सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की चंद तालिबात को कुचल दिया, जिनमें एक तालिबा उस हादसे में जांबहक हो गई। इस हादसे के पेश नज़र नाजमाबाद चौरंगी पुल पर या फ्लाईओवर की कमी महसूस की गई। बाद अज़ां कराची के पहले फ्लाईओवर की तामीर का आगाज नाजमाबाद चौरंगी पर किया गया। ये कराची की तारीख का पहला फ्लाईओवर था जो 6 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा और आने वाले वक्त में कराची के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लाईओवर्स बनना शुरू हो गए। अब तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 43 फ्लाईओवर्स और 9 अंडरपासेस तामीर किए जा चुके हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के साथ साथ कराची को जदीद जरूरियात और तकाजों से हम आहंग करने में मदद मिली है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपने कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।